अभी कल यूपीएससी जो कि भारत का सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, समझ रहे हैं ना, उसमें महिलाएं टॉप 10 के रिजल्ट में लगातार 4 लड़कियां, वो लड़कियां ही टॉप की है, 4 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक लगातार लड़कियां हैं। और गर्व करने वाली बात यह है हमारे बिहार राज्य के लिए कि बिहार की उसमें 2-3 बेटियां, पहला रैंक बिहार की बेटियों का है जो पटना की है, समझ गए ना, फिर दूसरा रैंक जो है ये बक्सर की बेटी है, बगल आरा से सटा हुआ बगल में एक। तो बहुत सारे बच्चे अगर सोचेंगे कि हम लड़की हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज की भी वही मानसिकता है, चलो लड़की पैदा हुई या पेट में ही है और चेक करा लिए तो भ्रूण हत्या कर दी, ऐसा भी होता है लड़कियों के लिए कि चलो चेक कराओ लड़का है तो रहने दो, लड़कियां तो भ्रूण हत्या कर दो। बताओ ये क्या बोलते हैं, पूरे देश की एक कठिन परीक्षा में लड़कियां ही तो अव्वल है ना। तो वो समाज की ऐसी मानसिकता पर एक तमाचा है, लड़कियों ने तमाचा दिया कि हमको भ्रूण में हत्या करते हो, पेट गर्भ में ही हत्या कर देते हो। देखो मैं कहां हूं, मैं शिखर पर हूं, कहां हूं, शिखर पर हूं। तो इसीलिए अपने को कमतर नहीं समझना चाहिए और समाज का जो ऐसी मानसिकता है वो भी खत्म होनी चाहिए। लड़कियां क्या नहीं करती हैं, आज वही बछंती पाल का नाम लिए, भारत की पहली महिला बछंती पाल जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, और आज वही नाम ले रहे हैं कि बिहार की बेटियां टॉप की हैं कठिन परीक्षा में। तो आप लोग भी बेटी हैं तो वही गाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, गाइए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।